सुटोमो मियाजाकी को एनीमे, मांगा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा बन जाए। मैं खुद बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सब मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मेरे पुरानी कॉमिक्स है। तो ये सब कोई पढ़ता है, उनका कलेक्शन रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सीरियल किलर बन जाए। हे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय, द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है टोक्यो जापान से, और ये कहानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुखद और बहुत ही ज्यादा ग्रुसम है। तो दोस्तों, अगर इन सब चीजों को सुनकर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो लोग इस वीडियो को ना ही देखे तो अच्छा है। ये टाइम है 1989, 1 फरवरी 1989 को टोक्यो शहर के एक इलाके में एक घर के बाहर कोई एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखकर चला जाता है। वो गिफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से पैक्ड हुआ था, उसके ऊपर वो रिबन भी लगी हुई थी और उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड भी था। देखकर ही लगता था कि किसी ने बहुत ही शिद्दत से उस गिफ्ट को पैक किया था। उस घर का मालिक जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने गिफ्ट पड़ी हुई है। वो गिफ्ट को उठाता है और घर के अंदर लेके जाता है, और घर के अंदर उसकी बीवी थी, उसको भी दिखाता है। फिर वो दोनों मिलकर इस गिफ्ट को खोलते हैं, और गिफ्ट खुलने के बाद उसके अंदर जो कुछ था, जो कुछ उन्होंने देखा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा किसी भी माँ बाप को ना देखना पड़े। उस चीज़ ने, उसके अंदर जो कुछ भी था, उसने ना सिर्फ उनको रुलाया या शॉक किया, बल्कि पूरे टोक्यो को, टोक्यो क्या दोस्तों, पूरे जापान को ही इस चीज़ ने रुलाया। जब लोगों को पता चला कि उस गिफ्ट के अंदर क्या था तो लोग हैरान हो गए। न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, पुलिस, पॉलिटिशियन, सब कोई जानना चाहते हैं उस गिफ्ट के अंदर क्या था। उस गिफ्ट के अंदर अस्थियाँ थी दोस्तों, छोटी छोटी हड्डियाँ थी, छोटे खून सने कपड़े थे, और करीब 10-12 छोटे छोटे दांत थे। उस गिफ्ट के ऊपर एक पोस्ट कार्ड लगा हुआ था। उस पोस्ट कार्ड में एक ऐसा चित्र बना हुआ था जिसमें एक इंसानी फिगर था, लेकिन उसका चेहरा चूहे का था, रैट का था। और उस पोस्ट कार्ड में इस चित्र के साथ एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लाइन ये है, मैरी बोन्स क्रीमेटेड, इन्वेस्टिगेट, प्रूव। तो ये लिखा हुआ था उस पोस्ट कार्ड में। दरअसल दोस्तों, कुछ ही दिन पहले इस परिवार की 4 साल की बेटी मैरी कोनो का किसी ने अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था उसका। उसके माँ बाप काफ़ी जगह ढूंढते हैं, पुलिस भी ढूंढती है, लोकल जितने भी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैरी नहीं मिलती है। और आज अचानक एक गिफ्ट मिला, और उस गिफ्ट के अंदर उनकी बेटी की अस्थियाँ थी। तो सोचिए उन पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी वो गिफ्ट देखकर। ये गिफ्ट जरूर उसी किडनैपर ने भेजा होगा। उसने उस बच्ची को किडनैप किया और फिर उसकी जान ले ली, और सिर्फ यहाँ तक नहीं, उसकी अस्थियाँ भेजी, यानी कि उसके शरीर को उसने जला भी डाला था। उस आदमी ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने खुद को एक नाम दे दिया, द रैट मैन। और आज का ये जो केस है, उस केस को द रैट मैन ऑफ जापान भी कहते हैं। और मैरी कोनो, 4 साल की बच्ची का जो खून था वो उसका पहला खून था। उसके बाद उसने और 3 खून किए इसी तरह, इसी स्टाइल में। और ये चारों खून करने के बाद भी पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, और जापान की जो पब्लिक है, जो टोक्यो की पॉपुलेशन है, वो इतना डर चुके थे कि उनके बीच में एक चाइल्ड सीरियल किलर एक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के अंत तक आते आते मेरा मानना है कि आप इस खूनी से इतना नफरत करने लगेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि इसको, इसके माँ बाप ने पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अंत तक देखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ आपको हमारे चैनल में देखने को मिलती रहती है। इस किलर को दोस्तों द रैट मैन या फिर ओटाकू मर्डरर बोला गया, और इसको ऐसा क्यों कहते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। अभी जितने भी इसने मर्डर किए उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला विक्टिम था, जो पहला खून इसने किया था, वो किया था 4 साल की मैरी कोनो का। 22 अगस्त 1988 को 4 साल की मैरी कोनो अपने घर के बाहर खेल रही थी। वो अकेले खेल रही थी। खेलते खेलते वो अपने घर से थोड़ा सा आगे निकल जाती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, 4 साल की बच्ची थी। फिर उस बच्ची के पास एक निसान गाड़ी आकर रुकती है। एग्जैक्ट मॉडल बताऊं तो निसान लैंगली ये गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ था, वो किसी तरह से कोई चॉकलेट वगैरह दिखाकर मैरी कोनो को अपने कार में बैठा लेता है। वो बच्ची इतनी मासूम थी, उसको पता नहीं था कि स्ट्रेंजर से बातें नहीं करते हैं, या फिर इस तरह से किसी की कार में नहीं बैठते हैं। चॉकलेट देखकर वो सीधा उस कार के अंदर बैठ गई। फिर जो ड्राइवर था वो उसको लेकर निकल गया। वो टोक्यो जो शहर है उसके वेस्ट साइड में जा रहा था, और फिर जितना वो ड्राइव कर रहा था तो सुनसान जगह आते जा रही थी। ऐसे ही एक सुनसान जगह आई, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट टाइप का आया, और वहाँ पर एक ब्रिज था, और वो अपनी कार को उस ब्रिज के नीचे लेके गया। उसने अपनी कार को उस ब्रिज के नीचे पार्क किया और जो बच्ची थी मैरी, वो अब बहुत ही परेशान हो गई थी और वो रोने लगी थी। वो बोल रही थी कि उसको घर जाना है, उसको अपने मम्मी पापा के पास जाना है, लेकिन ये जो आदमी था वो उसको जाने नहीं दे रहा था। वो बहला फुसला कर मैरी को बोलता है कि चलो जो जंगल है, पास में ही जंगल था, वहाँ पर सैर कराते हैं। मैरी भी उसके साथ चली जाती है। वो दोनों जंगल के बहुत अंदर चले गए थे। फिर एक जगह आकर एक ऊंचे जगह पर दोनों बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक वहीं पे बैठे रहते हैं। फिर पता नहीं क्या हो गया था, शायद मैरी कुछ ज़्यादा ही रोने लग गई थी और ये भी डर गया था कि इसको रोते देखकर कोई ना कोई अगर यहाँ पे आ गया तो वो पकड़ा जाएगा। इसी डर से दोस्तों वो मैरी का गला दबाता है। आप खुद सोचिए, एक ग्रोन आदमी और इधर सिर्फ एक 4 साल की बच्ची, वो क्या कर पाएगी। वो उसका गला इतनी बेरहमी से दबाता है कि उसकी मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है, 1-2 मिनट में ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसको मारने के बाद उसकी बॉडी के साथ जो इसने किया, वो सुनकर मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक मर्डरर तो था ही, किडनैपर था, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, ये एक नेक्रोफिलियक भी था। नेक्रोफिलियक मतलब जो डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करता है, और इसने फिर मैरी कोनो की इस डेड बॉडी को मोलेस्ट किया। उसका ये घिनौना काम करने के बाद पास ही के एक हिल्स में उसने इस डेड बॉडी को फेंक दिया। लेकिन फेंकने से पहले जो कपड़े वगैरह थे, मतलब बहुत ही शातिर था ये, जो पूरे कपड़े थे वो सब उतार लिए थे और अपने पास रख लिए थे ताकि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिले। फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन दोस्तों वो उसका दिमाग मतलब इतना विकृत था, इतना वायलेंट और साइको था कि वो कुछ दिन बाद फिर से आया। जो डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी थी वहाँ पर वो दोबारा आया और दोबारा फिर उस डेड बॉडी को उसने देखा तो एक ओपन में पड़ी हुई बॉडी किस तरह से होगी वो आप खुद सोचिए। तो बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी और उसने फिर क्या किया, उस डेड बॉडी के हाथ और पैर काट लिए और वो दोनों अपने पास रख लिए, और जो बाकी का जो टॉर्सो था उसको जला दिया और वो राख को एक डब्बे में पैक कर दिया। और यही वो डब्बा था जिसको वो गिफ्ट पैक करके मैरी कोनो के घर के बाहर रख के गया था। कितना ही वायलेंट क्राइम था ये, देखिए। उसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि 3 अक्टूबर 1988 को ये किलर दोबारा से हंट करता है, और इस बार उसका शिकार बनी एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम था मसामी योशी जावा। टोक्यो के ही बाहर, जस्ट बाहर एक रूरल एरिया में ये लड़की कहीं पे जा रही थी, अपने दोस्त के घर पे खेलने के लिए जा रही थी। फिर उसी स्टाइल में जैसे पहली लड़की को किडनैप किया था, ये आदमी अपनी निसान कार लेकर उस बच्ची के पास गया और उसको कोई चॉकलेट या खिलौना वगैरह दिखाकर उसको लालच देकर अपनी कार में बैठा लिया। फिर वो उसी जगह गया जिस जगह पर वो जो ब्रिज के नीचे उसने अपने पहले विक्टिम का खून किया था, वहीं पर लेके गया और वहाँ पर जाकर भी उसी स्टाइल में इस दूसरी लड़की मसामी योशी जावा को भी मार डाला। और फिर उसको मारने के बाद उसी तरह से उसके कॉर्प्स के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ भी ये दुष्कर्म किया और उसके कपड़े वगैरह उतार लिए और अपने पास रख लिए। उसके ठीक 1 महीना बाद 12 दिसंबर 1988 को उसने फिर से एक 4 साल की बच्ची को किडनैप किया। इसका नाम था एरिका नाम्बा। सेम उसी स्टाइल में ही किडनैपिंग हुआ। वो बच्ची अपने फ्रेंड के घर से अपने घर आ रही थी और फिर वो उस बच्ची के पास गया अपनी निसान कार लेकर। किसी ना किसी बहाने से उसको लालच देकर अपनी कार में बिठाया और पास के ही एक छोटे टाउन नागोरी, वहाँ पर लेके गया। वहाँ पर एक बहुत ही सुनसान पार्किंग लॉट था, वहाँ पर वो अपनी कार को लेके जाता है और फिर उस बच्ची को फोर्स करता है, उसको पहले पीछे वाले सीट में भेज देता है और उसको फोर्स करता है कि वो अपने सारे कपड़े उतारे। बच्ची भी रो डुबक के अपने कपड़े उतारती है। उसके बाद ये कैमरा निकालता है और वो उस बच्चे के फोटोज़ लेने लगता है। उसने फ़ोटोज़ ले लिए थे, फिर भी वो बच्ची को छोड़ सकता था लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने उस बच्ची के पूरे हाथ पाँव बांध दिए और उसको उस जो कार थी उसके डिक्की में डाल दिया। फिर वो एक दूसरी जगह गया और वहाँ जाकर गला दबाकर, जैसे उसने पहले 2 विक्टिम्स का खून किया था, इस तीसरी लड़की का भी उसने खून कर दिया। फिर उस पूरे डेड बॉडी को एक सफ़ेद बेडशीट में उसने पैक किया, बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया और डिक्की में डाल दिया। जो उस बच्ची के कपड़े थे वो पास ही के जंगल वगैरह में फेंक दिया और जो उसकी बॉडी थी वो एक सुनसान पार्किंग लॉट में उसने छोड़ दिया। और 3 दिन बाद जाके वो बॉडी पुलिस को मिली। अब इस बार ऐसा हुआ कि पहली 2 बॉडीज़ तो मिली ही नहीं थी। हाँ, इसने गिफ्ट पैक करके वो भेजा था पहले विक्टिम्स के पेरेंट्स को, लेकिन मतलब कुछ महीनों के लिए तो उनको मालूम नहीं था कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। जब उसकी DNA वगैरह टेस्ट हुई फिर बाद में जाके वो प्रूफ हुआ। लेकिन ये जो बॉडी थी, ये 3rd विक्टिम की, वो पहला ऐसा सबूत था जो पुलिस को मिला, और इससे ये साबित हुआ कि इस टोक्यो शहर में एक चाइल्ड प्रीडेटर घूम रहा है, एक चाइल्ड सीरियल किलर जो इस तरह की 4 से 7 साल के बीच की इन छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है। ये मतलब एक पेडोफाइल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, बहुत ही विकृत है, मतलब बहुत ही ईविल है दोस्तों ये। जैसे उसने पहले विक्टिम्स के पेरेंट्स को वो पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें वो रैट मैन था, उसकी फ़ोटो थी और साइड में कुछ लिखा हुआ था, उसी तरह से इस थर्ड विक्टिम के पेरेंट्स को भी उसने भेजा था। और इस बार उसने लिखा था एरिका कोल्ड कॉफ थ्रोट रेस्ट डेथ, तो इस तरह से उसने लिखा था। उसके बाद दोस्तों 6 महीने से गुजर जाते हैं, कोई भी घटना नहीं होती है, लेकिन 6 जून 1989 को ये मियाज़ाकी फिर से स्ट्राइक करता है। 6 महीने इसलिए गुजर जाते हैं क्योंकि तीसरा विक्टिम होते होते पेरेंट्स हो फिर पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, कोई भी अपनी बच्ची को ऐसे बाहर भेज नहीं रहा था, तो इसको विक्टिम मतलब मिल नहीं रहे थे मारने के लिए। ये ट्राई कर रहा था उन 6 महीनों में भी, लेकिन उसको मिल नहीं रहे थे। 6 महीने बाद जब ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया, सीरियल किलर्स का ऐसा ही होता है कि ये उनके लिए खाना है ये खून वगैरह, और जब तक वो ये नहीं करे वो लोग रह ही नहीं सकते। तो 6 महीना किसी तरह से वो रहा होगा, लेकिन उसके बाद पुलिस इतनी सख्त होते हुए भी उसने फिर से अपना एक शिकार किया, और इस बार उसने शिकार बनाया एक 5 साल की बच्ची का, आयाको नोमोटो। इस बच्ची को ठीक उसी स्टाइल में ही ये खून हुआ, और इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि उससे ज़्यादा और क्या घिनौना हो सकता है, लेकिन इस बार ये 4th विक्टिम के साथ उसने पहले से भी ज़्यादा घिनौना काम किया। इस बार उसने उसकी बॉडी को कहीं पे फेंका नहीं, बल्कि वो अपने घर, अपने अपार्टमेंट लेके गया उसकी बॉडी को। और दोस्तों करीब 2 दिनों तक उस बच्ची के बॉडी के साथ ये दुष्कर्म करता रहा। 2 दिनों तक वो उस बॉडी को अलग अलग पोजीशन में रख देता और फोटोज़ लेने लगता उस डेड बॉडी के। मैं ये सब बोलते हुए भी मतलब सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या ये सब पढ़ रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों कि हम इंसानों के बीच में इस तरह के शैतान मतलब रहते हैं, घूम रहे हैं इस तरह के शैतान। 2 दिनों तक उस बॉडी को अपने पास रखने के बाद जब वो बॉडी बहुत ही डिकम्पोज होने लगी, उससे स्मेल वगैरह आने लगी, तब जाकर उसने इस बॉडी को मतलब पूरा म्यूटिलेट कर दिया। अब 2 दिनों तक इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों इसका पेट नहीं भरा, इसका मन नहीं भरा। उसके बाद इसने एक और बहुत ही घिनौना काम किया, और वो काम ये था कि जब इस लड़की की बॉडी सड़ने लगी, डिकम्पोज होने लगी, तब इसने उसके पूरे बॉडी को काट डाला कई पीसेस में, और जो टॉर्सो था वो उसने पास के ही एक सीमेंट्री जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर जाकर रख दिया, और जो हाथ और जो पैर वगैरह थे वो उसने अपने पास ही रख लिए थे। उसने उन हाथ और पैरों से उसके जो खून है वो भी मतलब पिया और मांस वगैरह भी खाया, मतलब ये कैनिबल भी था। उसने उन बॉडी पार्ट्स के साथ कैनिबलिज्म किया। ये एक ऐसा सीरियल किलर था दोस्तों जो जिसने कुछ भी बाकी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो टॉर्सो इसने उस सिमेट्रिक पर रखा था, वहाँ पर बाथरूम में रखा था, तो उसको लगा कि पुलिस तो इसको ढूंढ लेगी और मुझे पकड़ लेगी, शातिर भी था बहुत। और 3 दिन बाद वो फिर से वहाँ गया और वो टॉर्सो तब तक किसी को नहीं मिला था। फिर वो उस टॉर्सो को लेके आया और जंगल पर कहीं पे फेंक दिया या फिर जला डाला। अब दोस्तों हर क्रिमिनल की तरह या फिर सीरियल किलर्स एक ना एक दिन पकड़े तो ज़रूर जाते हैं, और शुक्र है कि 4 खून करने के बाद ये आखिरकार पकड़ा जाता है 23 जुलाई 1989 को। ऐसे ही हुआ था, टोक्यो के एक सबर्ब में 2 लड़कियाँ खेल रही थी। एक बड़ी लड़की थी 9 साल की और एक छोटी थी, उसकी बहन थी, वो थी 4 साल की। दोनों खेल रहे थे और ये सीरियल किलर उनके पास आता है अपनी निसान कार लेकर। कुछ ना कुछ वो बोलता है जिससे जो बड़ी लड़की थी 9 साल की वो कहीं और चली जाती है, और जो छोटी थी वो इसके कार में बैठ जाती है, और फिर ये सीरियल किलर उसको लेकर कहीं पर चला जाता है। जो बड़ी लड़की थी तो दोस्तों वो सिर्फ 9 साल की, लेकिन उसके दिमाग की, उसकी चतुराई की वजह से ही ये सीरियल किलर पकड़ा जाता है। वो सीधा अपने फादर के पास जाती है, दरी सहमी, और अपने फादर को बोलती है कि एक आदमी आया ऐसी कार लेकर और मेरी बहन को उठा कर ले गया। तो उसका फादर भी मतलब बहुत ही शौक हो जाता है कि क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, और इधर उधर देखता है। तो उसको मतलब आसपास के लोगों से पूछता है कि ऐसे कार कहाँ पे जा रही है, तो लोगों ने बताया ऐसे जगह पे जा रही है। तो वो कार एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं गई थी, पास ही में एक शायद नदी का किनारा था या फिर कोई बीच था, सिक्लूडेड बीच था। तो उसका फादर अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि जो किलर है वो उस छोटी बच्ची के पूरे कपड़े उतार कर उसके फ़ोटो ले रहा था, जैसे वो पहले अपने विक्टिम्स के साथ कर रहा था। और फ़ोटो लेने के बाद वो उसका खून कर देता, लेकिन जब वो फ़ोटो ले रहा था तो जो फादर था उसी वक्त वहाँ पर पहुँच गया और ये सब देखकर मतलब उसका दिमाग गर्म हो गया। फिर उसने उस किलर को पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन ये कुछ ना कुछ चालाकी करके उसके फादर को धक्का वगैरह देके वहाँ से भाग गया। फिर फादर ने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी तुरंत हरकत में आई, क्योंकि ये केस तब तक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, और पुलिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था इस सीरियल किलर को पकड़ने का। तो पुलिस यहाँ वहाँ अच्छी तरह से छानबीन करती है और जो कार थी उस कार तक पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन जो किलर था वो मतलब उनमें कार तक नहीं आया था। तो पुलिस को पूरा मालूम था कि किलर हो ना हो कुछ घंटे बाद ही अपनी कार को लेने वो ज़रूर आएगा। तो पुलिस भी चुपके से एक जगह पर रुकती है उस कार के पास, और कुछ घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद, जैसे ही वो किलर उस कार की तरफ आता है अपनी कार को लेने के लिए, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में। दोस्तों मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये कहानी सुनकर। तो आखिरकार ये किलर पकड़ा जाता है और पुलिस उसको फिर थाने लेके जाती है और उसके बाद उससे पूछताछ करती है। और फिर पुलिस इसके घर भी जाती है, इसके घर को छानने के लिए, क्योंकि वहाँ से ही तो प्रूफ वगैरह मिलेगा। और दोस्तों पुलिस जब इसके घर के अंदर एंटर करती है, इसके अपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ का पूरा मंजर देखकर, माहौल देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। वो घर दोस्तों एकदम बिखरा हुआ था, एकदम गंदा, अजीबोगरीब स्मेल आ रही थी, बिल्कुल गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ पे कचरा डाला गया है और कोई वहाँ पे नहीं रहता। लेकिन उसका जो बेडरूम था वहाँ पर उसका एक कलेक्शन था, और वो कलेक्शन था मूवीज़ का। और वो जो टाइम था दोस्तों 88-89, तो उस ज़माने में शायद CD DVD तो नहीं होते थे, तो वीडियो टेप्स जो बड़े बड़े होते थे, जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे VCR में डालने वाले, उस तरह के टेप्स थे और सभी के सभी मूवीज़ के टेप्स थे। और पता है दोस्तों कितने सारे टेप्स उनको मिले, मतलब इसका कलेक्शन, तो 60,000 वीडियो टेप्स मिले। 60,000, आप सोचिए, पूरा घर ही वीडियो टेप्स से भरा हुआ था, पूरा घर। और जब उन वीडियो टेप्स को देखा गया कि उसके अंदर क्या है, तब भी पुलिस हैरान हो गई। उन वीडियो टेप्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी पोर्नोग्राफी। बहुत सारे पोर्न वीडियोज़ उनमें थे, उसके बाद बहुत सारे हॉरर मूवीज़ थे, बहुत सारे स्लैशर मूवीज़ जो गोर मूवीज़ बोलते हैं उस तरह के थे, और एक ह्यूज पार्ट था ये CP, मतलब आप खुद ही सर्च कर लेना दोस्तों। और उन्हीं टेप्स के अंदर जब पुलिस ने देखा तो बहुत सारे टेप्स ऐसे मिले जिसमें वो जो विक्टिम्स थे, जो मर गए थे ये चारों बच्चियाँ, उनके भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उन टेप्स में थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फिज़िकल एविडेंस था, बड़ा क्या ये अल्टीमेट फिज़िकल एविडेंस था कि इन्हीं लड़कियों को इसी ने ही किडनेप किया है, इसी ने ही मारा है। अब अरेस्ट के बाद उसका इंट्रोगेशन हुआ और तब पता चला दोस्तों कि ये है कौन, और वो सुनकर भी पुलिस वाले बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि ये दोस्तों कोई गरीब आदमी या फिर ऐसे ही कहीं पे रहने वाला ऐसा नहीं था। वो इस टोक्यो शहर का एक बहुत बड़े फैमिली का लड़का था, बहुत बड़े फैमिली का। इस किलर का, इस रैट मैन का असली नाम था सुटोमो मियाजाकी। इसके जो फादर थे वो इस शहर के एक बहुत बड़े पेपर के मालिक थे, इनका एक न्यूज़पेपर आता था। और हैरानी की बात ये थी कि उसके ही फैमिली के न्यूज़पेपर में जो किलर की खबर दिन रात चल रही थी, लेकिन उनको क्या पता था किलर उनके घर में ही बैठा हुआ है। खैर दोस्तों, इसका नाम है सुटोमो मियाजाकी, और इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर वगैरह इस शहर के बहुत ही पुराने लोग थे, 2-3 तो पॉलिटिशियन भी थे। पुलिस ने जब इसकी पूछताछ की, पहले तो इसने अपना पल्ला झाड़ने की बहुत कोशिश की। उसने बोला कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर जब पुलिस अपने स्टाइल में पूछती है, सख्ती से पूछती है, तो फिर ये अपने लाइन में आ ही जाता है। उसने कन्फेस किया कि टोक्यो में ये जो चाइल्ड सीरियल किलर घूम रहा है वो यही है, जो रैट मैन, ओटाको मर्डरर जो पब्लिक इसको नाम दे रही थी, प्रेस नाम दे रही थी, वो एक्चुअली यही है। पुलिस इसको देखकर हैरान हो गई और इसके क्राइम्स के बारे में जानकर, उसके घर में जो मिला वो सब, वो सोच रही थी कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसको इंसान कहना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक मॉन्स्टर था, एक मॉन्स्टर। इसने अपना नाम रखा था रैट मैन, लेकिन चूहे भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसका कंपैरिजन चूहों के साथ भी नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, ये आदमी पकड़ा जाता है और ये क्राइम स्प्री ख़त्म होता है। अब जानते हैं कि ये ऐसा क्यों बन गया क्यों ये ऐसा पेडोफाइल, ऐसा सीरियल किलर बन गया जो छोटी बच्चियों का, इन मासूम बच्चियों का खून करता था। तो उसके लिए उसके अर्ली लाइफ के बारे में, बचपन के बारे में जानते हैं। सुटोमो मियाजाकी का जन्म हुआ था 21 अगस्त 1962 को टोक्यो में ही। उसका जो परिवार था वो एक बहुत ही वेल्दी परिवार था। ये मियाजाकी परिवार एक रीजनल न्यूज़पेपर चलाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर इस टोक्यो के पॉलिटिशियंस थे, टाउन काउंसिल में थे। जब ये पैदा हुआ था दोस्तों, तो वो एक डिफॉर्मिटी लेके पैदा हुआ था, एक बर्थ डिफेक्ट आप बोल सकते हैं, और वो प्री मैच्योर पैदा हुआ था। उसके जो हाथ थे, राइट या लेफ्ट हाथ पता नहीं, उसका हाथ कुछ बहुत ही ज़्यादा उंगलियां लंबी थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को ऐसा ऐसा नहीं कर सकता था, एक ही पोजीशन में रहता था मतलब। और वो आदमी तो ऐसे पतला जैसा था, लेकिन उसके हाथ इतने बड़े बड़े, तो इसकी वजह से उसको मतलब बहुत शर्म आती थी और बहुत लोग इसको, इसकी वजह से चिढ़ाते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। उसके पेरेंट्स ये अपना जो न्यूज़पेपर का बिजनेस है वो संभालते थे और ये बिजनेस में ही वो लोग लगे रहते थे। इसको वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते थे, उस बिजनेस में ही ज़्यादातर बिजी रहते थे। और इसकी वजह से इसको बड़ा करने वाला ना उसका फादर था ना उसकी मम्मी थी, बल्कि उसके ग्रैंड फादर थे और एक नैनी थी, मतलब आदमी था वो इसका नैनी था। इन दोनों ने ही इसको बड़ा किया था और जो भी इसने सीखा, प्यार वगैरह मिला, इन दोनों से ही उसको मिला। अब वो जब स्कूल गया दोस्तों, तो क्या हुआ, उसकी इस हाथ की वजह से, उसकी इस डिफॉर्मिटी की वजह से सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे और इसका दोस्त कोई नहीं बना। सब लोगों ने इसको एक तरह से बॉयकॉट कर दिया और इसकी ज़िंदगी में लोनलीनेस आ गया और ये लोनलीनेस उसका आखिरी दम तक उसके साथ रहा। वो हमेशा एक लोनली बच्चा था। स्कूल में भी सब लोग इसका मजाक उड़ाते थे और कोई इससे बात नहीं करता था। कभी कोई बर्थडे पार्टी हुई तब इसको नहीं बुलाते थे और ये कहीं भी चला जाए स्कूल में इसको वो लोग छेड़ते थे। इसको सबसे ज़्यादा जो बुली करते थे वो लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ इसको बुली करती थी। स्कूल में लड़कियाँ इसको बहुत ही, इसका मजाक उड़ाती थी, इसको बुली करती थी, लेकिन घर में भी इसको चैन नहीं था। घर में जो इसके दो बड़े सिस्टर्स थे इसके ऊपर, तो वो दोनों सिस्टर्स इसको बहुत ही बुरी तरह बुली करते थे, इसको मारते थे, पीटते थे। इसका जो हाथ था उसकी वजह से इसका मजाक उड़ाते थे। तो पूरा बचपन इसका ऐसा ही गया है। जब वो स्कूल में था तो पहले पहले वो बहुत ही बड़ा अच्छा स्कूल था क्योंकि बहुत ही अमीर लोग थे, तो पहले पहले इसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, यानी कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। लेकिन इन सब बुलिंग की वजह से उसका मेंटल, इसका मतलब मन नहीं लगता था पढ़ाई वगैरह में, वो हमेशा उदास होता था और जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स इतने कम हुए कि ग्रेजुएट होते होते 56 बच्चों में उसका जो स्थान था वो कोई 52 या 54 ऐसा था, मतलब एकदम लास्ट में रह गया था ये। फिर भी वो ग्रेजुएट तो कर ही गया। अब इतने बुरे नंबरों से स्कूल से पास होने के बाद किसी भी अच्छे कॉलेज में उसको दाखिला नहीं मिलता। उसका सपना था कि वो एक इंग्लिश टीचर बने, लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिला। और इसकी वजह से उसने एक जूनियर कॉलेज में एडमिशन ली और वो जो कोर्स उसने किया वो था एक फोटोग्राफर का। जब वो बड़ा हुआ दोस्तों, तब तक वो अपनी बहन के रूम में ही रहता था, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था। एक टाइम ऐसा आया जब उसके फादर बूढ़े हो गए। वो लोग चाहते थे कि उनका जो बिज़नेस है वो ये संभाले, लेकिन इसने सीधा उनको बोल दिया कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं करना। और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स और इसका जो रिलेशनशिप था वो और ज़्यादा ख़राब हुआ। पहले तो ख़राब था ही, और ज़्यादा ख़राब हो गया। जब उसको पकड़ा गया दोस्तों, सुटोमो को, तो पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका जो बचपन था अच्छा नहीं था और उसने ये भी बोला कि बचपन में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसके अपने पेरेंट्स ने उसको इग्नोर किया था। उसने ये भी बोला था कि मतलब ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आया था जब उसने सुसाइड के बारे में भी सोचा था। मियाजाकी ने यह भी बोला कि उसके ज़िंदगी में अगर किसी ने उसको सपोर्ट किया है, उसकी बात सुनी है, तो वो सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे। उसके ग्रैंडफादर के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जा रहा था, वो इसको अच्छी बातें सिखा रहे थे। लेकिन मई 1988 को इसके ग्रैंडफादर गुजर जाते हैं, उनको कोई बीमारी थी, वो गुजर जाते हैं। और उसके बाद ये बहुत ही डीप डिप्रेशन में घुस जाता है, बहुत ही डीप डिप्रेशन में। और इसीलिए तो सिर्फ 2-3 महीने बाद, यानी कि अगस्त 88 को इसने जो अपना किलिंग स्प्री था वो शुरू कर दिया था। इसके जब ग्रैंडफादर गुजर गए तो इसने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ की दोस्तों। उसने सोचा कि मुझे अपने ग्रैंडफादर को अपने अंदर रखना है, अपने दिल में रखना है। और इसकी वजह से चुपके से इसने अपनी ग्रैंडफादर की जो एशेस थी उस एशेस को भी खा लिया था। तो देखिए दोस्तों कितना मतलब साइको है और इसको हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने ग्रैंडफादर के गुजरने के बाद वो अपने रूम में ही रहता और जो ये वीडियो टेप्स थी, जो उसका मूवी कलेक्शन था, वही सिर्फ अब इसके लाइफ में बचा हुआ था। उसके माता पिता इसकी इस चीज़ से परेशान हो चुके थे क्योंकि ये कुछ नहीं करता था, नौकरी वगैरह भी इसके पास नहीं थी और ये बस दिन भर अपने वीडियो टेप्स के साथ ही खेलता रहता था। जब ये अरेस्ट हुआ दोस्तों तो ये न्यूज़ उसके घर वालों को पता चली और ये न्यूज़ सुनकर उसके फादर इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि बाथ टब में उन्होंने अपनी नस काट ली और वहाँ पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक बार ये अपने घर पे था और उसकी बहन नहा रही थी तो वो अपने वीडियो कैमरा को लेकर बाथरूम में घुस गया, दरवाज़ा खुला रहा होगा, और अपनी बहन को नहाते हुए शूट कर रहा था। जब उसकी बहन ने ये देखा तो उसने ऐतराज़ जताया तो इसने अपनी बहन को बहुत ही बुरी तरह से मारा, उसका मुंह तोड़ दिया। जब ये सब सुनकर उसकी माँ ऊपर आई और माँ को पता चला कि इसने क्या किया है, अपनी ही बहन का वीडियो बनाया है, तो उसकी माँ ने मतलब इसको डांटा, फिर इसने अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठाया। ये पूरी बात उसके फादर को पता थी लेकिन उसके फादर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। लोग कहते थे कि इसकी जो माँ थी वो एक्चुअली इसकी माँ नहीं बल्कि इसकी बहन थी, उसका अपने ही फादर के साथ इस तरह का एक इलिसिट रिलेशनशिप था। तो देखिए दोस्तों, बाहर से तो कितने अमीर लोग हैं, एक न्यूज़पेपर बैरन है, लेकिन अंदर इनकी फैमिली में क्या चल रहा है वो देखिए। खैर, इसके अरेस्ट की बात सुनकर उसके फादर ने खुदकुशी कर ली और इसका जो परिवार था उसको अब इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके वकील तक के लिए उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, जबकि बहुत अमीर लोग थे वो लोग। दोस्तों, यहाँ पर इस बंदे के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ सिंपैथी करने की ट्राई कर रहा हूँ ये सब बोल के, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताने की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे का बचपन ठीक नहीं होता, अगर उसके माँ बाप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसके मेंटल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या करने के बाद भी डॉक्टर वगैरह आपके पास नहीं लेके जाते हैं, तो अगर बचपन नॉर्मल नहीं होता है तो जवानी भी नॉर्मल होती नहीं है और फिर वो आदमी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं रहता है। तो बचपन का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। खैर दोस्तों, इसका ट्रायल शुरू होता है और इसके ट्रायल के दौरान ये अजीबोगरीब बातें करता है। ये बोलता है कि इसने ये सब नहीं किया बल्कि इसका एक ऑल्टर ईगो है जिसको इसने रैटमैन नाम दिया है। तो वो रैटमैन कभी कभी आ जाता है इसके शरीर के अंदर और वो रैटमैन इस तरह के काम करता है, जो खून वगैरह। करीब 7 साल इसका जो ट्रायल था, इसका केस था, वो कोर्ट में चलता रहा और इन 7 सालों के दौरान 3 अलग अलग साइकेट्रिस्ट की टीम होती है, उसने इसकी जांच की, कहीं ये पागल वगैरह तो नहीं या फिर मेंटल इश्यूज तो इसको कुछ नहीं। कई टीम्स ने बोला कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अंत में इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए भी ये पाया गया कि हो सकता है इसको ये सब बीमारी हो, लेकिन ये एक सेन आदमी है और वो जो कर रहा था उसको पूरा नॉलेज था कि ये सही है या गलत है और वो क्या काम कर रहा है। और इसकी वजह से दोस्तों 14 अप्रैल 1997 को, मतलब इसके पकड़े जाने के 7 साल बाद, इसको सजाए मौत दे दी गई। काफ़ी टाइम तक इसकी जो मौत की सज़ा थी वो हुई नहीं थी, लेकिन 2008 में जाकर अंत में इसको फांसी पर लटका दिया गया और इसकी मौत हो गई। सुटोमो मियाजाकी ने क्यों ये खून किया उसके बारे में भी उसने कुछ ना कुछ बोला है। उसने कहा है कि उसका जो ये लोनलीनेस था, जो वो बचपन से फील कर रहा था, वही इन सब चीज़ों का कारण है। लेकिन उसने एक वियर्ड बात भी बोली थी दोस्तों अंत में। उसने बोला था कि जब भी वो किसी छोटी बच्ची को कहीं पे अकेले खेलते हुए देखता, कहीं पे मतलब बैठे हुए देखता अकेले, तो वो उस बच्ची पर खुद को देखता था क्योंकि वो भी बचपन में इस तरह से अकेला था। और वो कहता था कि इनको मारकर उसने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है। आप खुद सोचिए दोस्तों, उसका दिमाग देखिए। ये एक ट्रू मायने में एक साइको था। अब दोस्तों अंत में हम लोग बात करेंगे कि इसको ओटाकू मर्डरर क्यों बोला जाता था। अब जो ये शब्द है दोस्तों ओटाकू, इसका मीनिंग है ऐसे लोग जो ये एनीमे, मांगा, कॉमिक्स और वो जो जैपनीज़ कार्टून वगैरह होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जापान में दोस्तों मैं कभी गया तो नहीं, पर ऐसे ही देखा है या सुना है, ये एनीमे, मांगा, कॉमिक्स ये सब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और ये कोई मतलब वो कॉमिक्स नहीं है कि इसमें अच्छी चीज़ें होती है या फिर बच्चों की होती है, ये बहुत ही मैच्योर चीज़ होती है। और इसमें गोर, खून वगैरह, सीरियल किलिंग्स ये सब होता है, गैंगस्टर्स वगैरह की चीज़ें। तो इस केस के बाद मीडिया में बहुत ऐसा आया और इसको ओटाकू मर्डरर बोला गया कि ये जो चीज़ें हैं एनीमे वगैरह वो सब अच्छी नहीं है और ये बच्चों के ऊपर बहुत ही एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से बच्चे ये सीरियल किलर्स बन रहे हैं या फिर मर्डरर्स बन रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि सुटोमो मियाजाकी को एनीमे, मांगा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था, वो भी एक ओटाकू था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा बन जाए। मैं खुद बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ता था और वीडियो गेम्स, मूवीज़ यही सब देखता था। अभी भी पढ़ता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सब मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मेरी पुरानी कॉमिक्स है। तो ये सब कोई पढ़ता है, उनका कलेक्शन रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सीरियल किलर बन जाए। ये तो बस एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। और इन सब चीज़ों को बैन करके या इन पर रोक लगा के कोई भी क्राइम को नहीं रोक सकता, और ठीक ऐसा ही हुआ। इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सुटोमो मियाजाकी के बाद भी कई सारे चाइल्ड किलर्स और ये चाइल्ड प्रेडेटर्स जापान में आए और इससे भी ज़्यादा भयंकर क्राइम उन्होंने किए। खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। जल्द मिलता हूँ ऐसी एक और कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।